हेलो गाइस, दिस इज सुबोजित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसडी गैजेट्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेंस को क्लीन कैसे किया जाता है। सो गाइस, पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये निकॉन का 7300mm लेंस जो नया वाला निकला है AFP वाला, उसमें गाइस वो ये जो है वेदर प्रूफ लेंस जो है वो नहीं है। सो गाइस, मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको ये बताया था कि इसमें डस्ट और फंगस का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सो गाइस, सेम इस लेंस के साथ भी मेरे यही हुआ है। इसका जो है ना, लेंस के अंदर जो है डस्ट चले गया है, जैसे कि वो यूवी फिल्टर है, इसको मैं जैसे रिमूव करूँगा ऊपर से। सो गाइस, जो ऊपर का एलिमेंट है, जो यहाँ पर जो एलिमेंट है, वो गंदा नहीं हुआ है, उसमें डस्ट नहीं है गाइस, इसको मैं क्लीन कर चुका हूँ। पर इसके अंदर वाला जो एलिमेंट है उसमें जो है डस्ट चला गया है। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे क्लीन करना है और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके लेंस में डस्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है गाइस, वो ये होता है कि आप पीछे से इसको ओपन कर ले, इसका यूवी फिल्टर भी रिमूव कर ले और लेंस को ऐसा ओपन कर ले। अब गाइस, यहाँ पर पीछे ये जो रिंग है, इसके यहाँ पर जो है ना अपर्चर का जो है अपने पास लॉक होता है। सो गाइस, होता है कि अपन को अपर्चर लॉक को ऐसे जो है खींचना होता है। जैसे अपन खींचते हैं तो क्या होता है कि अपर्चर जो है वो ओपन हो जाता है, अपर्चर का जो अंदर वाला रिंग है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हमको जो है इसके अंदर सब देखना होता है कि लेंस में कितने धूल है टूवर्ड्स लाइट, जैसे जो भी लाइट सोर्स हो उस साइड, अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो आपको अंदर समझ में आ जाएगा कि डस्ट पार्टिकल है कि नहीं है लेंस में। तो आज मैं वही बताऊंगा, अगर आपको अंदर डस्ट पार्टिकल दिख रहा है या तो फंगस दिख रहा है, उसको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या कंटेंट हमको चाहिए क्लीनिंग के लिए। सबसे पहले गाइस, ये एक लिक्विड चाहिए, जो क्लीनिंग लिक्विड आती है वो। इससे गाइस आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है ना जो लेंस को क्लीन करेंगे तो उस पर जो है अपन ये लिक्विड डाल के अपन क्लीन कर सकते हैं। और गाइस, ये जो क्लीनिंग लिक्विड है वो मैंने जो है ये किट के साथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे कि जो ये क्लीनिंग जो होता है लिक्विड, ये बहुत टाइम तक रखे रहने से ख़राब हो जाता है। तो गाइस, ये जो है ये भी बहुत पहले बने होते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से हम लोगों को ये मिलता है। तो गाइस, जो किट जो क्लीनिंग का जो ये जो लिक्विड होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको हम लोगों को यूज़ नहीं करना है लेंस पे कैमरे के। हमको जो है ये आप कहीं से भी एक स्टोर से, ऑप्टिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं, जो भी चश्मे का दुकान है, और आप एक्सपायरी डेट जरूर देख ले उसका और नया ही परचेज करें तो बेटर होगा मेरे ख्याल से। और उसके बाद गाइस, आपको जो है एक ये किट चाहिए, जो मेरे पास जैकली का किट है, इसमें बहुत सारे नट्स ओपन करने के लिए है। हमको बस एक ही इसमें से ज़रूरत है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा हमको चाहिए। और उसके बाद गाइस, ये क्लीनिंग किट है, ये तो मैं इसका जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ कर चुका हूँ, तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो ये क्लीनिंग किट भी ज़रूरी है इसको क्लीन करने के लिए, डस्ट को रिमूव करने के लिए और लेंस को क्लीन करने के लिए। और लास्ट और नॉट द लीस्ट, एक हम लोगों को गिटार का प्लास्टिक वाला पिक चाहिए, ये वाला, ये मेरा टूट गया है तो मैं इसको यूज़ में ले सकता हूँ, या तो ऐसा कुछ भी पतला सा कंटेंट जिससे कि हम लेंस को ओपन कर सके। सो गाइस, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ लेंस को ओपन कैसे करना है और उसको क्लीन कैसे करना है। सो गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो है लेंस है और लेंस में ऊपर आप गाइस ये देख सकते हैं एक प्लास्टिक का जो है ये कंटेंट लगा हुआ है, जिसमें ये लिखा रहता है आपका कि 700-300mm लेंस, ठीक है ना, 1:4.5। ये जो कंटेंट है गाइस, ये जो है एक प्लास्टिक कंटेंट है जो कि हम जो है आराम से निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के बाद इसके अंदर कुछ स्क्रूज़ होते हैं, वो स्क्रूज़ हमको निकालने होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस क्या करना है। सबसे पहले जो है आप जो है पिक को ले लीजिए, ये जो है इस पिक को आप उठा लीजिए, और उठाने के बाद क्या करना है, इसको जो है आप धीरे से यहाँ पर अंदर कोशिश करिए कि आप इसको डाल सके ऐसा, तो कहीं ना कहीं से ओपन होगा हल्का सा, तो ये आप निकल आएगा अपने आप ही। सो ये देखिए गाइस, आप जैसे देख सकते हैं मैंने इसको धीरे से कर दिया है और इसको मैं घुमा रहा हूँ, तो ये जो है बाहर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, स्टिकर जो है बाहर आ गया है। तो आप इसको जो है धीरे से बस पकड़ के, इसको हाथ मत लगाइए, अब बस साइड से इसको निकाल लीजिए ऐसा करिए, और गाइस इसको हाथ बिल्कुल भी ना लगाए और इसको जो है रख लीजिए साइड में एक जगह पर। इससे क्या होगा, अगर गाइस आप इसको हाथ में लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका हाथ आएगा तो उसका जो ग्लू है वो छूट जाएगा, और ग्लू छूट जाएगा तो फिर अपन इसको फिर से यूज़ नहीं कर पाएंगे लगाने के लिए। तो गाइस जो है आप जो है ग्लू को बिल्कुल भी मत छूइए उसको हाथ से, और उसको ऐसे का वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको ओपन कर दिया है तो यहाँ पर कुछ नट्स दिख रहे हैं,
तो हमको ये नट्स जो है ये ओपन कर लेना है, और ओपन करने से क्या होगा, हमारा जो ये एलिमेंट है ये बाहर आ जाएगा। सो गाइस चलिए मैं इसको ओपन करके बताता हूँ फिर आपको कि कैसे इसको साफ करना है। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं इन नट्सों को जो है आपको धीरे धीरे से निकाल लेने हैं, और गाइस एकदम मतलब संभाल के रखना, आपको घुमाना नहीं है गाइस, अगर घुमाएंगे आप तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई एकदम धीरे धीरे सबसे पहले जो है आपको ऊपर वाले एलिमेंट्स के जो नट्स है वो निकाल लेना है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ धीरे धीरे। तो भाई आप देख सकते हैं दो नट जो है मैंने निकाल लिया है, अब जो है तीसरा नट निकालूंगा मैं यहाँ का, ये वाला जो है, इसको जैसे ही आप निकालेंगे तो धीरे से निकालिएगा भाई, ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से निकालना है आपको, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आराम से अपना टाइम लेके इसको निकालिए। निकालने का गैस क्या होगा, ये आपका जो ऊपर वाला जो एलिमेंट है ये जो है ये लूज़ हो जाएगा थोड़ा सा, और जो है आपका ये कंटेंट जो है बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं गाइस जैसे ये जो है कंटेंट जो है बाहर आ गया है, अब गाइस इसको आपको साइड में रख लेना है, और ये जो आपका एलिमेंट है इसको अब जो है अपन को करना है निकालना है। तो गाइस इसको भी सेम वैसे ही सेम स्क्रू लगेगा, और अपन को धीरे धीरे रिमूव करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी अपन को इस चीज़ में, आराम से इसको लगाना है, और ये धीरे से ओपन करना है आपको। ये मैंने एक साइड को ओपन करा, इसका जो स्क्रू है इसको, और ये मैंने साइड में यहाँ रखा है, यहाँ पर एक स्क्रू है गाइस, इसको भी ओपन कर लेते हैं, धीरे से ओपन करना इसको भी। सो गाइस ये भी ओपन हो गया है, और इसको मैं साइड में रख देता हूँ, और लास्ट ये है गाइस, ये वाला बोलना है, इसको भी धीरे से ओपन करना है। सो गाइस ये जो है ये हमने पूरा जो स्क्रूज है वो अपन ने हटा लिया है, अब अपन को कुछ नहीं करना है गाइस, अपना जो एलिमेंट है वो रिलीज हो चुका है। ये देखिए आप देख रहे हैं एलिमेंट हिल रहा है, एलिमेंट हिल रहा है मतलब एलिमेंट जो है ढीला हो गया है। अब गाइस अपन लोगों को सबसे पहले ये चीज़ जो है देख लेनी है कि यहाँ पर कुछ नंबरिंग्स लिखी होती है 1, 2 और 3। सो गाइस ये जो है ये 1 नंबर का स्क्रू है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, 2 नंबर, और ये 3 नंबर है। तो अपन को ये नॉमेनक्लेचर याद रखना है, उसके नीचे भी वैसे ही सेम लिखा हुआ है, तो अपन को जो है वैसे ही इसको सेटल करना। और ये देखिए गाइस आपका जो लेंस का जो कंटेंट है वो ये बाहर आ गया है। अब गाइस ये जो बाहर वाला कंटेंट है हम सबसे पहले उसको साफ करेंगे, और इसको हम साइड में रख देते हैं। सो गाइस ये मैंने लेंस साइड में रख दिया है, और अब सिर्फ इस चीज़ को पहले हम लोग साफ़ कर लेते हैं। इस चीज़ को साफ़ करने के बाद फिर हम जो है लेंस को क्लीन करेंगे। सो गाइस जैसे कि आप ये देख सकते हैं जो ऊपर वाला ऑप्टिक्स है वो मैंने ओपन कर लिया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा जो है क्लीनिंग किट उसको ओपन करना है। सो गाइस इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ये मैंने क्लीनिंग किट ओपन कर लिया, ये मेरा ब्रश है और ये मेरा क्लीनिंग क्लॉथ है। अब गाइस क्या करना है, सबसे पहले जो है इसको जो है अपन लोग इसमें से धूल हटाएंगे। धूल हटाने के लिए गाइस अपन लोगों को ये प्रेशर से इसको साफ कर लेना है, इसके ऊपर ऐसा ऐसा करके, और पीछे भी होगा धूल गाइस तो इसको साफ कर लेना अपन को। गाइस हमेशा इसको ऐसे करके साफ करें जिससे धूल नीचे गिरे। अब देख सकते हैं गाइस एक बार जो है आप इसको चेक कर लीजिए, ग्लास को इसकी तरफ रख के, लाइट टूवर्ड्स द लाइट की तरफ रख के, कि ये क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है गाइस। अब गाइस इसको जो है इसमें थोड़ा सा पेन से अपन को धूल को और निकाल लेते हैं। सो गाइस पेन से जो है अपन इसको ऐसा ऐसा करके एक साइड, मतलब आपको सिर्फ इसको एक साइड ऐसे घुमाना होता है जिससे कि इसमें से जो धूल है वो निकल जाए। इस साइड से भी सेम ऐसे ही रहता है गाइस, इसको सब घुमाना है आपको और देखना है ये क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ। एक बार आप फिर से जो है ग्लास की तरफ इसको चेक कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना गाइस, अब जो है आपको इसको जो है क्लीनिंग के लेंस क्लीन करने के लिए जो ये आता है इसको आपको डायरेक्ट इसमें नहीं मारना है, इसका जो कपड़ा है उसमें फेंकना है, पहले जो कपड़ा है उसमें डाल लीजिए आप इसको, थोड़ा सा ऐसे करके स्प्रे कर लीजिए, इसको गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद गाइस इसमें क्या होता है, इसको एक साइड ऐसा लगा के ऐसे एक साइड घुमाना है, सिर्फ एक साइड घुमाना है गाइस आपको, हर साइड मत घुमाइएगा नहीं तो स्क्रैचेस आ जाएगा लेंस पे। इसको गाइस ऐसा से घुमा के साफ करना है, आराम से घुमा के क्लीन कर लीजिए इसको, और देखते भी रहिए साथ में
क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत आराम से क्लीन करिए गाइस आप इसको। ठीक गाइस, अभी देख सकते हैं ये जो लेंस है मैंने पूरा क्लीन कर दिया। तो सबसे पहले गाइस आपको ये करना है कि एक एयरटाइट कंटेनर लेना है और उसके अंदर इस एलिमेंट को रख देना है। गाइस क्यों रखना है उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। होता क्या है गाइस, बाहर जो है बहुत धूल हमेशा उड़ती रहती है, तो जो गाइस बाहर जो धूल उड़ती रहती है ना उससे ये प्रॉब्लम होती है कि जो लेंस है वो फिर से हम लोगों का गंदा हो सकता है। तो मैंने उसको एयरटाइट कंटेनर में डाल के जो है मैं मेन लेंस को साफ करने वाला हूँ। ये जो है मेन लेंस का कंटेंट जो है मेन लेंस का, इसको मैं साफ करने वाला हूँ। तो गाइस साफ करने के लिए इसको कुछ नहीं, वही सेम प्रोसीजर अपन को अपनाना है, वैसे ही इसको साफ करना है। सबसे पहले मैं इसको जो है इसका जो डस्ट है डस्ट रिमूव करूंगा डस्ट क्लीनर से, उसके बाद जो है आगे का मैं काम का बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर जैसे क्लीन हो जाता है वैसे ही आपको जल्दी से जो है इसका जो लेंस जो ऊपर वाला कवर है इसको लगा देना है गाइस। तो लगाने से पहले गाइस एक चीज़ आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, अगर टू नंबर इसमें लिखा हुआ है तो टू नंबर यहाँ कहाँ लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये लगेगा। वन ये है मतलब टू ये है गाइस। तो आप जल्दी से जो है इसको जो है पहले फिक्स कर लीजिएगा, और फिक्स करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो है गाइस इसकी सेटिंग है। ये आप देख सकते हैं तीन जो थ्रेड्स हैं वो लग चुके हैं इस पर बिल्कुल सही तरीके से। और अब जो है आप इसको जो है अपन को सिर्फ नट से टाइट कर देना है। नट से टाइट कर रहा हूँ देख सकते हैं, ये जो है पहला नट मैंने इसमें यहाँ लगाया, और इसको लगाने के बाद जो है मुझे इसको घुमाना है, और ये देख सकते हैं आप इजीली लग जा रहा है। ज़्यादा फोर्स नहीं करना है अपन को जो है उसको, अपन को बस लगाना है इसको। ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप अपना लेंस डैमेज कर बैठे, तो ज़्यादा दम नहीं लगाया अपन को। जैसा लगा हुआ था वैसे का वैसे ही अपन को इसको वापस फिक्स कर देना है आराम से बिना किसी प्रॉब्लम और कंटेंट के साथ। ये है दूसरा जो है टाइट कर दिया मैंने रिंग, अब ये तीसरा जो है वो मैं लगा रहा हूँ। तीसरा भी वैसे ही लगेगा इसमें सेम जो कंटेंट है वैसा। ये गया और इसको जो है मुझे टाइट करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि ये तीनों के तीनों जो है मैंने वो जो है अच्छे से फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब गाइस इसका जो ऊपर वाला एलिमेंट जो बचा था ये प्लास्टिक वाला जो एलिमेंट है इसको बस सेट करना है और लगाना है, बस अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस चलिए मैं इसको बताता हूँ इसको कैसे लगाना है। सो गाइस कुछ नहीं, अपन को क्या करना है इसको लगाने के लिए, अपन के ये थ्रेड्स कटे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं तीन थ्रेड्स लगे हुए हैं और तीन यहाँ पर नॉब है। तो गाइस अपन को पता है कि अपन को तीन नॉब्स तीन थ्रेड्स पर लगने हैं, तो अपन इसको जो यहाँ पर सेट करके ऐसे बैठा लेंगे इसको जहाँ पर ये लगना है, और जैसे ही ये बैठ जाएगा वैसे ही गाइस अपना काम कंप्लीट हो जाएगा और अपन को इसको लगा देना है। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ एडजस्ट, आपको भी इसको एडजस्ट करके ही लगाना है, ढीला नहीं छोड़ना आपको ये। ठीक है गाइस, और जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये जो है हो गया फिट, अब मुझे सिर्फ नट्स लगाने और अपना काम कंप्लीट। तो भाई ये मैंने पहला नट जो है लगा दिया है, अब मैं दूसरा नट लगाऊंगा। तीन ही नट है गाइस, मतलब टोटल अपन छः नट अगर अपन खोलते हैं तो छः नट खोलने के बाद जो है ये खुल जाता है लेंस, और अपन इसका जो है फ्रंट एलिमेंट जो है वो साफ़ कर सकते हैं। मेरा जो है फ्रंट एलिमेंट पे ही धूल लगा हुआ था तो मैंने उसको खोल कर साफ किया, इसको लगा देता हूँ। अब बस ये मेरा सेकेंड जो है वो भी लगा दिया है, गाइस जो है थर्ड जो है वो मैं लगाने वाला हूँ, थर्ड ये है और यहाँ पर लगेगा थर्ड गाइस। कुछ नहीं गाइस अपन इसको लगा रहे हैं फिर से, और गाइस ये जो है अपना जो है लेंस वापस फिक्स हो गया। अपन कुछ भी टाइट नहीं करना है ज़्यादा, अपन को नॉर्मली रखना, उसको ज़्यादा फोर्स करेंगे तो लेंस ख़राब हो सकता है। ये आप देख सकते हैं लग गया पूरा, एक बार और चेक कर लेते हैं कितना साफ हुआ है।
गाइस ये पूरा क्लीन हो चुका है। अब अपन को लास्ट एंड फाइनल जो कंटेंट है, इसके ऊपर का जो स्टिकर है वो जो है वापस बिठा देना। ये गाइस ये वाला स्टिकर है, इसको अपन केयरफुली यहाँ लगाना है, अंदर डाल देना है और इसको जो है हाथ से या तो कपड़े से जो है आपको इसको वापस प्रेस कर देना। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो गाइस ये जो आपका स्टिकर है वो अच्छे से बैठ जाएगा। अब भाई जैसे बैठ गया है वैसे आप इस बाहर वाले लेंस को भी एक बार और क्लीन कर दीजिए ऐसा ऐसा करके, जिससे कि साफ रहे और कोई डस्ट पार्टिकल इसमें ना जा सके। सो भाई ये जो है पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है लेंस क्लीनिंग। लेंस जो है पूरा अच्छे से साफ हो गया है, जो भी डस्ट पार्टिकल था अंदर वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरा निकल गया है डस्ट और एकदम साफ दिख रहा है लेंस गाइस। और ये रेडी टू यूज़ है गाइस। जैसे अगर आपको फंगस भी लगता है फ्रंट एलिमेंट पे तो आप फंगस को भी ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस, आप लोग घर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और ये कोई गलत नहीं है गाइस। ये जो है मैंने पूरा जो निकॉन के जो सर्विस सेंटर में जो वर्क करते हैं मेरा फ्रेंड है उनसे मैंने पर्सनली जो है एडवाइस लेके ही इसको किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस अगर अंदर वाले एलिमेंट्स में अगर चले जाते हैं फंगस तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर सर्विस सेंटर में ही देना पड़ेगा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं ऊपर वाला जो कंटेंट है उसमें ही है जो भी डस्ट या फंगस लगा हुआ तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं गाइस।